राम जन्मभूमि अयोध्या के शुभ मुहूर्त और भूमि पूजन को लेकर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को भूमि पूजन शुभ मुहूर्त नहीं है। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि भगवान श्री राम अयोध्या जन्मभूमि का मॉडल अंकोर वाट मंदिर की तर्ज पर होना चाहिए। हमें इसकी चाह नहीं है कि हमको इसका ट्रस्टी बनाया जाए या हमको इसका कोई पदाधिकारी बनाया जाए। हम तो राम भक्त हैं। राम मंदिर अगर कोई भी बनाता है और सही ढंग से बनाता है तो हमें प्रसन्नता होगी, लेकिन उसके लिए उचित तिथि और उचित मुहूर्त होना चाहिए। जिस मुहूर्त में ये हो रहा है ये अशुभ घड़ी है। ये हम लोगों ने अच्छी तरह से विद्वानों से विचार कर निर्णय किया है और इसमें भी धोखा हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि चंपक राय ने पहले शिलान्यास चुपचाप कर लिया है। पहले तो ये कहते थे कि वही शिलान्यास रहेगा, उसके पश्चात कहने अब चंपक राय ने कर लिया है, लेकिन औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री को वहाँ बुलाया जा रहा है। तो ये तो प्रधानमंत्री को भी जानकारी देनी चाहिए थी इन्हें, और जनता को जानकारी देनी चाहिए चंपक राय ने गुप्त रूप से क्यों किया, जबकि ये विषय सबका है। तो ऐसी स्थिति में ये छल छिद्र से नहीं होगा। इसको राजनीतिक विषय बनाने से ही हमारे जो हिंदुओं के मुद्दे हैं वो खटाई में पड़ जाते हैं। जैसे गोहत्याबंदी का मुद्दा खटाई में पड़ गया है, उसी तरह से राम जन्मभूमि का भी पड़ जाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इसको सार्वजनिक रूप से सबकी सम्मति से शुभ मुहूर्त में शिलान्यास करके बनाया जाए।